तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम खेलेंगे स्क्विड गेम, मतलब रोब्लॉक्स में स्क्विड गेम खेलेंगे। सो हम अभी वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का, और अगर आपने रोब्लॉक्स खेली हुई है सो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो लेट्स गो, अब क्योंकि टाइम हो गया है। ओके, ग्रीन लाइट रेड लाइट आएगा ज़रूर, इतना तो सबको ही पता है क्योंकि फर्स्ट गेम है। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इवेंट है एक एक्चुअली। ओके, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं बस गलत ना हो जाऊँ, लेकिन शायद मैं कंफ्यूज ना हूँ। ओके, आराम से, और उसके बाद दोबारा आराम से, प्लीज़ प्लीज़। ओके लेट्स गो। तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, गलती से अगर मैंने रेड लाइट पे अपने पाँव को आगे भी किया सो ये लोग तो मुझे ऐसे ही मार देंगे। सो आराम से चलते हैं, कुछ सेकंड्स बचे हैं, कुछ नहीं है वैसे, एक्चुअली 2 मिनट तो होंगे हमारे लिए। ओके सो लेट्स गो। सो हमारे पीछे कुछ गार्ड्स भी हैं जो भी इस गेम को खेल रहे हैं, जिनके हाथ में बंदूक नज़र आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। सो लेट्स गो। और डार्क से भी आप प्लीज़ मुझे मरवा ना देना बस। और ये लोगों ने पार भी कर लिया। यस, मैंने भी पार कर लिया। सो ओके, अब पार कर लिया है, और यस अब मैं अगली गेम में भी आऊँगी, अच्छी बात है। सो अगली गेम पता नहीं कौन सी आएगी। सो यहाँ पे लिखे वेलकम टू द टैग, इफ़ यू आर अ टैगर हिट द नदर प्लेयर विल अ स्टिक। ओह, सो इसमें एक्चुअली हमें टैगर से बचना है या हम खुद भी टैगर होंगे। अगर हम टैगर हुए तो हमें दूसरों को टैग्स करना होगा, उनको हाथ लगाना होगा जिससे वो आउट हो जाएंगे, और अगर हम नहीं हुए तो हमें बचना पड़ेगा। और अगर मैं 90 सेकंड्स पे बच गई तो मैं जीत जाऊँगी। मैं ऊपर जाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज़ सही हो जाओ प्लीज़, बस तो बहुत ही बुरा है। सो ये टाइगर मेरे बिल्कुल सामने जा रहे हैं, और आई थिंक गार्ड्स ही टाइगर्स बने हैं, और ये एंड में नाम भी बताएंगे। सो प्लीज़ ये 10 सेकंड सुकून दो। माय गॉड, ये बिल्कुल मेरे सामने थी और ये अभी मुझे मार देती, प्लीज़ मुझे बख्श दो। यस, कंप्लीटेड द मिशन, थैंक गॉड। अब नाम भी बता दिया, और गो टू द अदर गेम। सो ये गेम क्या है, कॉन्ग्रेट्स और मेकिंग इट, इट इज़ टाइम टू, ओ माय गॉड, ये हमें क्या लड़वाएंगे अब, और मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। और कितने सेकंड्स देंगे, और इसकी ये स्माइली फेस है ना, बहुत बुरी लग रही है मुझे। इतने ज़्यादा सेकंड्स दिए और हमें बचना पड़ेगा। सो एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मरूँ, इसलिए मैं थोड़े कॉर्नर में आ गई हूँ, और ना मैं इनको देखना भी नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ ज़रा मैं बच जाऊँ इसके अंदर, थोड़ा से सेकंड्स रह गए हैं। सो प्लीज़ मैं बच जाऊँ इन 4-5 सेकंड्स में। ओके आई सर्वाइव्ड, एंड पे ही मारना था इसे। सो एक्चुअली अब नेक्स्ट गेम पे चलते हैं जो हनी कॉम है, और आई होप मुझे ट्रायंगल मिले क्योंकि मेरा फेवरेट भी ट्रायंगल है। और आपका जो सबसे अच्छी शेप आपको लगती है सो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा ट्रायंगल है, और आई होप ट्रायंगल मिले क्योंकि बाकी नहीं होंगे, अम्ब्रेला तो बिल्कुल भी नहीं। और ओ माय गॉड, ट्रायंगल, यस, बस ये क्रैक ना हो जाए मुझसे, क्रैक ना, ओ थोड़ा सा क्रैक हो गया है, लेकिन यस आई कंप्लीटेड इट, यस। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, और अब नेक्स्ट ब्रिज होएगा ग्लास ब्रिज, जो मुझे नहीं लगता कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। और एक्चुअली मैं एंड पे ही जाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। ओके सो ये अब सारे जा रहे हैं। ओके सो लोग जाते जाते गिर ही जा रहे हैं पता नहीं क्यों, और अभी तक किसी ने भी नहीं पार किया इतना ज़्यादा। मैं नहीं जा रही, मैं एंड पे जाऊंगी, और टाइमिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है। वो नीचे जाके भी ज़िंदा है, लेकिन उनके जो पावर्स हैं वो कम है। मैं लास्ट पे हूँ, सीरियसली मैं लास्ट पे हूँ, सब मुझे ही जाना पड़ेगा। यस ओके, नाउ दोबारा जंप प्लीज। ओके आई एम डन।
मैं आउट हो गए। और अगर आपने मेरी ग्रैंडपा ग्रैनी वाली नहीं देखी वीडियो स्क्विड गेम की वो जाके ज़रूर देखें। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि फ्री है। एंड टिल देन बाय बाय।